हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। टुडे वी विल टॉक अबाउट द वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन ए गिफ्ट ऑफ चप्पल। फर्स्ट इज रश्ड आउट, बाहर भागना। स्लीपर, चप्पलें। प्रोटेस्टेड, विरोध किया। नीटली, उचित तरीके से। ड्रैगड, घसीटा। स्क्रीम, चिल्लाना। सस्पिशियस, शक होना। क्यूट, सुंदर। मेन, शेर की गर्दन के पीछे के बाल। गिगल्ड, हंसना, हंसा। मिस्टीरियस, रहस्यमय ढंग से। एम्बलम, चिन्ह। डायनेस्टी, राजवंश। डिसेंडेंट, वंशज। फ्लोरिश्ड, विकसित हुई। श्रीक, चिल्लाना। अफुल, भयानक। वायर्ड, कर्कश। स्टार्टलेट, चौंके। स्क्यूरिड, भागे। होल्ड, खींचा। ग्रंटड, बड़बड़ाया। वीजिंग, भिन भिनाना। डी रेलिंग, पटरी से उतरना। क्रैप्ट, रेंग कर गया। बो स्ट्रिंग, सारंगी बजाने का धनुष। धनुषनुमा यंत्र जो जिससे सारंगी बजाई जाती है। फ्रिंजल, किनारा। ग्लीम्ड, चमका। ग्लिटर, जिसका मतलब भी चमका होता है। स्क्रॉनी, बेहद पतला या पतली। कंसंट्रेशन, ध्यान देना, ध्यान। टफ्ट, गुच्छा। बी रिंगड, अंगूठी वाला, जिसमें अंगूठी पहन रखी हो। बी रिंगड हैंड। अपरेंटली, स्पष्टता से। स्नूज, झपकी। गेज्ड एट, देखना, देखा। चौकड़, गला रुक गया। जेनरोसिटी, भलाई या दानवीरता। वेल, चिल्लाहट। फिब्बल, कमजोर। विदर, मुरझाया हुआ। बूमिंग, बूम की आवाज़ करते हुए। स्टेंड, धब्बे। ब्लिस्टर्ड, जले हुए। फ्राइंग, भूनते हुए। स्टर्डी, तगड़ा। वैनिश्ड, लुप्त हो गया। अनएप्रिशिएटिव, अप्रशंसा से भरा। क्रचिंग, दुबकते हुए। हराज्ड, परेशान। ग्रोंड, कहराना। स्नैप्ड, टोकना। ब्रैशली, आत्मविश्वास से। इनकार्नेट, अवतार। टिफ्ट, स्टिफ एंड स्ट्रेट, सीधा और स्थिर और सीधा या सीधी। ये वर्ड मीनिंग इस लेसन के गिफ्ट ऑफ चप्पल के हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। हेयर आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन बैकयार्ड। मीना ने मृदु के साथ ऐसा कौन सा रहस्य की बात जो शेयर की थी, बताई थी मीना ने मृदु को आंगन में। मीना हैज अ स्मॉल किटन, नो बॉडी इन द हाउस नो अबाउट इट। मीना के पास एक बिल्ली का छोटा बच्चा था, घर में कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। दिस इज़ द सीक्रेट विच सी वांट टू शेयर विद मृदु। यही वह सीक्रेट था जो वह मृदु के साथ शेयर करना चाहती थी। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लेकर आता है। आंसर है, रवि टोल्ड पति That he was hungry and wanted to drink milk. रवि कह अपनी पति दादी माँ को कहता है कि वह उसे प्यास लगी है, भूख लगी है और वह दूध पीना चाहता है। He brought that milk for the kitten. और वह उस दूध को बिल्ली के लिए ले आया। थर्ड क्वेश्चन इज, हु डज
ही से द किटन एंसेस्टर आर, डू यू बिलीव हिम? वह किसे बिल्ली के पूर्वज कहता है, क्या आपको उसमें विश्वास है जो वह बोलता है? ही सेज दैट, वह कहता है कि किटन एंसेस्टर आर एंसेंट कैट लिविंग एट द टाइम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। वह कहता है कि जो बिल्ली के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वह पल्लव राजाओं के समय के थे। द नेम ऑफ द कैट वाज ऋषि कैट, और उस कैट का नाम जो था ऋषि कैट था। हु लिव्ड इन पल्लव डायनेस्टी, ही वी बिलीव हिम, जो कि पल्लव डायनेस्टी पल्लव राजाओं का जो राजवंश था उस समय जो जिंदा थे, उस राजवंश की ही यह पीढ़ियाँ आगे बढ़ती चली गई, और इसमें हम वी बिलीव हिम, हम उसकी बात में विश्वास करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नॉइस दैट स्टार्ल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन? वह किस चीज़ की आवाज़ थी जिससे मृदु और महेंद्रन दोनों डर गए थे? आंसर इज दैट नॉइस वाज दैट ऑफ वायलिन विच द लल्ली वाज प्लेइंग। वह नॉइस उस वायलिन की थी जिसको लल्ली बजा रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, हैड द बैगर कम टू रुकमणी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या वह भिखारी रुकमणी के घर पहली बार आया था? अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। द बैगर ऑफन केम टू रुकमणी हाउस वह भिखारी रुकमणी के घर अक्सर आ जाता था। द बैगर हिमसेल्फ टेल दैट ही वॉज लिविंग ऑन द काइंडनेस ऑफ दैट हाउस, क्योंकि भिखारी ने खुद ही कहा था कि वह उस घर की दयालुता के कारण ही जिंदा है, वह कि उस घर के लोग उसके भीख देते हैं इसीलिए वह जिंदा है, यह बात भिखारी ने खुद ही मानी थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जो खिड़की से म्यूजिक टीचर दिख रहा था उसका वर्णन कीजिए। द म्यूजिक टीचर वाज ए बोनी फिगर्ड मैन हैविंग बाल्ड हेड विद ए फ्रिंजल ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। म्यूजिक टीचर छोटे कद का व्यक्ति था और उसके सिर के बाल, ज़्यादातर सिर गंजा था और थोड़े से बाल जो थे उन पे तेल लगा हुआ था और वो दोनों कानों के साइडों में गिरे हुए थे। ही वॉज वीरिंग ए गोल्ड चैन एंड ए डायमंड रिंग। उस म्यूजिक टीचर ने एक सोने की चैन गले में पहन रखी थी और एक डायमंड हीरे की अंगूठी हाथ में पहन रखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज, 7 क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल। मृदु को ऐसा क्यों सोचा कि भिखारी के पास पैसे चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? मृदु सा दैट द बैगर फीट वर ब्रंट, ही हैड पिंक ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ द फीट। मृदु ने देखा कि भिखारी के पांव जल रहे हैं और उसके पैरों के ऊपर गुलाबी रंग के छाले पड़े हुए हैं। इट मेड हर कंक्लूड दैट ही हैड नो मनी टू बाय चप्पल्स। यहाँ हिम के स्थान पर हर आएगा क्योंकि ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो इट मेड हर इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद भिखारी के पास चप्पलें नहीं होंगी, पैसे नहीं होंगे, इसलिए वह बिना चप्पल के घूम रहा है। 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है। व्हाट डज सी सुजेस्ट टू शो हर कंसर्न। वह अपना पक्ष दिखाने के लिए क्या सुझाव देती है अपना विचार बताने के लिए? आंसर है सी सुजेस्ट दैट स्लीपर ऑफ म्यूजिक मास्टर शुड बी गिवन टू द बैगर्स।
वह कहती है कि म्यूजिक टीचर के चप्पलों को उस भिखारी को दे दी जाएं। वह सुझाव देती है कि हम म्यूजिक टीचर की जो चप्पल हैं भिखारी को दे देते हैं। क्वेश्चन 8, ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल द बैगर वैनिश्ड इन ए मिनट, वाई वाज ही इन सच ए हरी टू लीव। जब भिखारी को चप्पलें मिल जाती हैं वह एक मिनट से भी कम समय में गायब हो जाता है, वह इतनी जल्दी क्यों करता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल द बैगर वैनिश इन ए मिनट, वाई वाज ही इन सच ए हरी टू लीव। आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन इज द बैगर न्यू दैट द चिल्ड्रन हैड गिवन हिम चप्पल विदाउट टेलिंग एनीवन इन द हाउस। क्योंकि भिखारी जानता था कि बच्चों ने बिना किसी घर वालों से पूछे उसको चप्पलें दे दी हैं, सो ही हार्डली लेफ्ट द हाउस, इसलिए वह जल्दी से उस घर से चला गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई। जब म्यूजिक टीचर को गोपू मामा की चप्पल दे दी गई थी तो वह इतना ज़्यादा खुश क्यों नहीं लग रहा था। आंसर इज ऑफ 9th क्वेश्चन इज रुक्कुमणि गेव गोपू मामा चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर म्यूजिक टीचर दी वर न्यू चप्पल वाइल हिज वर वर्न आउट व्हेन ही गेट न्यू वन ही ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट ही वाज ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन। रुक्कुमणि ने म्यूजिक टीचर को गोपू मामा की चप्पलें दे दी क्योंकि दीज वर न्यू चप्पल्स, जो गोपू मामा की चप्पल नई थी जबकि म्यूजिक टीचर की चप्पलें पहनी हुई थी। व्हेन ही गेट न्यू वन, जब उसको नई चप्पलें दी गई तब वह ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट ही वाज ए सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन, क्योंकि वह अपने आप को एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहता था, इसलिए वह नई चप्पलों के मिलने पर भी ज़्यादा खुश नहीं था। तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं इस लेसन के और वर्ड मीनिंग, तो आगे हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। हैव ए नाइस डे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है तो वह कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए कुछ। मिलते हैं नई कला नए लेसन के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।